नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद पिछले दिनों खासा सुर्खियों में रहा था। ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें से एक मामला लेन देन का भी था। अब इस मामले में ज्योति मौर्य बुरी तरह से फंस गई हैं। बता दें कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ लेन देन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज कराई थी। बता दें कि अब गृह विभाग ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति मौर्य के ऊपर लगे लेन देन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नियुक्ति विभाग ने शुरू कर दी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने यह जाँच प्रयागराज कमिश्नर विजय सिंह विश्वास पंत को दी है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जाँच करने के लिए जाँच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति मौर्य के पति आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति की ऑफिस में लेन देन को लेकर कई शिकायतें की थी। शिकायत के दौरान आलोक ने लिखित भी सबूत पेश किए थे और अपनी शिकायत नियुक्ति विभाग को भेजी थी। आलोक ने आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपनी नौकरी के दौरान लेन देन किया है या लेन देन पद पर रहते हुए किया गया है। इन लेन देनों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि जांच कमेटी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजेगा। आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक के विवाद ने पिछले दिनों सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था। इस मामले की चर्चा यूपी समेत पूरे देश में हो रही थी। दरअसल आलोक ने ज्योति के ऊपर आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उनसे दूरी बना ली और उसका संबंध एक अन्य अधिकारी मनीष दुबे के साथ हो गया। इस मामले में सामने आने के बाद हर रोज इस केस में नए नए खुलासे होते गए। आलोक का भी यह कहना था कि उसने ज्योति को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर जैसे ही ज्योति अधिकारी बन गई वह पूरी तरह से बदल गई। दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति के सभी आरोपों को गलत बताया था और अपने पति पर ही झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया था। बता दें कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ दहेज का केस भी दर्ज करवा दिया था। आलोक ने ज्योति के और कथित प्रेमी मनीष दुबे के खिलाफ उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि इस केस के सामने आने के बाद यूपी समेत कई राज्यों में ऐसे केस सामने आए थे, जिसमें पतियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पत्नी ने अधिकारी बनते ही उन्हें छोड़ दिया। इस केस के बाद कुछ पतियों ने तो अपनी पत्नियों को पढ़ाई छुड़वा कर उन्हें वापस घर बुला लिया।